हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर को जिसे लिखा है तुसानी दुसी नाम की एक राइटर ने अच्छा तुम लोगों को पता है लोग एंटार्टिका कॉन्टिनेंट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं I mean, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है तो क्या तुम लोग मुझे बता पाओगे देखो हमारी जो राइटर है ना तुसानी दीदी -दी, वो हमें बताएगी जब वो एंटार्टिका जाती है तो वो क्या क्या एक्सपीरियंस करती है वो अपने जर्नी के बारे में बताएगी और ये भी बताएगी की उन्हें क्या क्या सीखने को मिला तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारी

और वो जर्नी इतना आसान नहीं था क्योंकि उन्होंने नाइन टाइम जोन सिक्स चेक पॉइंट्स तीन वाटर बॉडीज लाइक इंडियन ओशियन होता है पैसिफिक ओशियन होता है इस तरह के तीन ओशियंस को क्रॉस कर कर इसके साथ साथ ढेर सारे इको को क्रॉस कर कर वो एंटार्टिका पहुंचती है और जैसे ही हमारी जो तुसानी दीदी यानी कि जो हमारी राइटर है ना वो पहला कदम एंटार्टिका में रखती है तब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने अपना हंड्रेड आवर्स से भी ज्यादा इस ट्रैवलिंग में बिता दिया है अब तुम लोग सोच रहे हो क्या उन्होंने हंड्रेड आवर्स बस शिप में ट्रैवल करके बिताया है तो इसका आंसर है नहीं क्योंकि हमारी जो राइटर है ना उन्होंने ये जर्नी कार बस एरोप्लेन और सिप इन सब की मदद से बिताया है फिर सानी दीदी नोटिस करती है कि अंटार्क्टिका कितना ज्यादा वंडरफुल जगह है जहां तक वो देख पा रही थी सिर्फ वाइट लैंडमार्क उन्हें दिख रहा था और फिर उन्हें ये भी रियलाइज होता है कि क्योंकि ये इंसानों से दूर है और आइसोलेशन में है ना इसलिए ये जगह और भी ज्यादा वंडरफुल है है अच्छा तुम को का, का हिस्ट्री पता है? अभी से पचास साल पहले एंटार्टिका बिल्कुल भी ऐसा नहीं था वो बिल्कुल भी स्नो से नहीं घिरा हुआ रहता था बल्कि वो तो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था और इवन वहां पे बहुत गर्मी पड़ती थी और उस वक्त एक बहुत ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड एंड तुम्हें पता है उस गोंडवाना लैंड के अंदर मतलब वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था ना उसके अंदर इंडिया एंटार्टिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और इवन की साउथ अफ्रीका भी आता था हाँ तुम लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो ये सारे प्रेजेंट डे कंट्रीज उस वक्त एक साथ जुड़े हुए थे और उस वक्त इस पूरे बड़े लैंडमार्क को हमने नाम दिया है गोंडवाना लैंड पर अफसोस उस वक्त तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस भी नहीं था यार तुम लोग सोचो छे मिलियन साल पहले कहा होंगे अभी से एक मिलियन साल पहले की अगर बात करें ना उस वक्त हमारे डायनासोर और ड्रैगन नहीं होते बट हाँ, ओके उस वक्त हमारे डायनासोर जैसे प्राणी जीवित रहते थे और तुम्हें पता है उस वक्त एंटार्टिका में

डायनासोर मिलकर दोस्ती करते और दुनिया पे राज करते आ, थोड़ा सिलेबस से घसक ना ओके वापस ट्रैक पे आते हैं देखो एंटार्टिका जो था वो तो साउथ पोल की तरफ धीरे धीरे घसकने लगा जो इंडिया था वो एशिया में जाके टकरा गया और बाकी भी लैंड के सारे हमारे का जन्म हुआ तो जब इंडिया एशिया से आके टकराया था ना उसी की वजह से हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स थे ना उनका भी जन्म हुआ था और जैसे जैसे ये कंट्रीज का जन्म हुआ वैसे वैसे हमारे जैसे आदमखोर इंसानों का भी और इसके बाद जो हमारी ऑथर है ना वो हमें कह रही है

हम लोग कैसे टाइम टू टाइम इवॉल्व होते आए हैं और एक्सटेंशन का एग्जाम्पल तुम लोग डायनासोर या फिर डोडो बर्ड से ले लो तो यही सारे जो मैंने वर्ड्स बताए जैसे कि ग्रेनाइट ओजोन और कार्बन इवोल्यूशन और एक्सटेंशन ये सारी जो चीज होती है ना इसके सिग्निफिकेंस को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए ये राइटर हमें बता रही है देखो जो तिसानी दीदी है ना उन्होंने ये भारी भरकम वर्ड का इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है क्योंकि वो बताना चाहती है जब उन्होंने एंटार्क्टिका में अपना पहला कदम रखा तब उन्हें इन सारे चीजों का

और टाइम के बारे में तो तुम बिल्कुल भूल जाते हो क्यों दीदी वहाँ पे घड़ी काम नहीं करता था क्या फिर हमारी राइटर बताती है कि जब तुम एंटार्क्टिका में जाते हो और तुम विजुअल रेंजेस के बारे में बात करते हो मतलब जो चीज को तुम देख सकते हो उसकी बात करते हो तो बहुत छोटे से लेकर मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर बहुत बड़े से बड़े चीज वहां पे अवेलेबल है हाँ वहां पे कोई बिल्डिंग्स नहीं है कोई ह्यूमन मार्कर नहीं है बट वहां पे चीजों की और जीव जंतु की कोई कमी नहीं है अगर छोटी चीजों की बात करें तो मिजेस एंड माइट्स जो कि बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना वो भी वहां पर दिखते हैं और बड़े चीजों की बात करें तो एंटार्क्टिका में ब्लू वेल और बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स पाए जाते हैं एंड अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दू ना तो वहां के कुछ आइसबर्ग तो कंट्री से भी बड़े हैं और देखो एंटार्टिका को पूरी तरह से एक्सप्लोर तो नहीं किया गया है लेकिन अगर लार्जेस्ट रिकॉर्डेड आइसबर्ग की बात किया जाए ना तो वो आइसबर्ग पूरा बेल्जियम जितना बड़ा है फिर राइटर बताती है कि एंटार्टिका में दिन 24 घंटा का होता है फिर तुम लोग सोचोगे क्या बात कर रहे हो ब्रो हमारे यहाँ कौन सा 8 घंटा का होता है हमारे यहाँ भी तो 24 घंटा का होता है अरे तो ब्रो हमारे यहाँ चौबीस घंटा दिन का दिन नहीं रहता ना रात भी होता है यहाँ पे हमारी राइटर बताना चाहती है की एंटार्टिका में समर टाइम में सिर्फ दिन होता होता है कभी रात नहीं होता है और अगर विंटर्स का टाइम आता है तो सिर्फ रात रहता है कभी दिन होता ही नहीं है जब तक समर ना आ जाए मेरी बातों को तो समझ ही गए हो फिर हमें पता चलता है कि एंटार्टिका में यूबिक्यूटर साइलेंस है मतलब बहुत ज्यादा शांति है हालांकि ऑकेजनली कभी कभी स्नो रॉक्स माउंटेन से टूट गिरते हैं उसके कारण कभी कभार शांति भंग हो जाती है और कभी कभी जो आइस सीट होते हैं मतलब जो लैंडमार्क होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं उसके कारण भी कभी कभार कुछ कुछ साउंड सुनने को मिल जाती है अब देखो तुम्हारे बुक में कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं इसका मीनिंग बहुत सिंपल है लेकिन अगर तुम इन वर्ड्स को याद कर लोगे और एग्जाम Hoge, full marks milenge, right? और ये सारी जो राइटर जाके वहां पे देखती है समझती है ये सारी चीज ऑथर को अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प करती है पर फिर तुम्हें पता ऑथर क्या कहती है कि वहाँ पर जाने के जो चीज़ों ने पता चलता है ना वो ह्यूमंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने वाला है ना जो पूरे ह्यूमंस को हिला कर रख देगा एंड दिस इज हाउ हमारा पहला पार्ट एंड होता है तो अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड पार्ट टू का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें मूवी के रिव्यूज देखने या रिकमेंडेशन चाहिए तो <laughs>